झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन आज अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए उनके जन्मदिवस को लेकर कोई समारोह का आयोजन नहीं किया गया है। शिबू सोरेन दुमका लोकसभा सीट से 8 बार सांसद और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने। फिलहाल वो राज्यसभा के सांसद हैं। जन्मदिन मना रहे सुप्रीमो जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन दिशोम गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, गुरुजी के नाम से भी जाने जाते हैं। 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी, दिशोम गुरु का जन्मदिन है और देखिए पार्टी ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ भव्य समारोह की तैयारियां नहीं की हैं, लेकिन गुरु जी के आवास पर क्या कुछ चहल पहल नजर आ रही है? देखिए, तमाम कोरोना संक्रमण की वजह से किसी भी तरह का भव्य आयोजन नहीं है और ये कहा गया है कि सभी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, अपने अपने घरों में गुरुजी का जन्मदिन मनाएंगे। तो ये एक ऐसा हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से हुआ, लेकिन जब तमाम चीज़ों पे पाबंदियां लगी हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो जन्मदिन होगा गुरुजी सिर्फ अपने आवास में अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन गुरुजी का जन्मदिन है और पूरे झारखंड में हम कह सकते हैं कि आज गुरुजी के जन्मदिन के मौके पे तमाम लोग जो हैं उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। और दिशम गुरु, गुरुजी एक बड़ा सम्मान होता है और हम देखेंगे कि पूरे झारखंड में गुरुजी के नाम से ही लोग उन्हें बुलाते हैं, पूरा नाम लोग नहीं लेते हैं, दिशम गुरु बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो फिलॉसफी रही है, देखिए राजनीति में आने से पहले कि हम बात करेंगे तो शुरुआती दौर में जो महाजनी प्रथा के खिलाफ जो है गुरुजी ने लोगों को गोल बंद किया था और फिर जैसे जैसे संघर्ष का आंदोलन आगे बढ़ता गया और समाज में कई तरह की कुरूतियों को देखने के बाद उन्होंने हड़िया दारू छोड़कर पढ़ाई लिखाई की भी बात उन्होंने की, तो एक बड़ी बात होती है। और इनके संघर्ष की जो गाथा है वो कई किताबों में भी लिखा जा चुका है। जो प्रभात खबर के जो संपादक रहे हैं अनुज, तो वो किताब भी लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो गाथा है, इनका जो जीवन है, एक संघर्ष भरा रहा है। तो राजनीति मतलब सामाजिक जो दायित्व इन्होंने निभाते हुए कैसे समाज के लोगों को जागरूक किया, आगे कैसे झारखंड अलग राज्य के लिए किस तरह से विनोद बिहारी महतो और एके राय के साथ तमाम चीज़ों को लेकर आगे वो बढ़े, तो एक बड़ी बात होती है। और देखिए मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, राज्यसभा सांसद हैं और लगभग 6 बार वो लोकसभा का भी चुनाव उन्होंने जीता था। तो एक लंबा सफ़र, एक लंबा इतिहास रहा है। तो आज दिशम गुरु, गुरुजी का जन्मदिन है तो ऐसे मौके पे हर कोई, दूसरे राजनीतिक दल के लोग भी आज उन्हें बधाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सम्मान की बात होती है। और हम कह सकते हैं कि गुरुजी जो हैं झारखंड के एक मास लीडर हैं। गुरुजी कहीं चले जाएं लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व तो रहा है कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए कैसे राजनीति में कदम रखा और राजनीति में भी आने के बाद धीरे धीरे कैसे चीज़ों में आगे बढ़ते गए और उनके जो विचार हैं, यही वजह है कि जब लोकसभा में जब वो पहली बार जीत कर गए थे 1980 में, तो उन्होंने अपने समाज और झारखंड के बारे में जो अपना भाषण दिया था, यही उस भाषण में था कि आदिवासियों का कल्याण कैसे हो, झारखंड को लेकर जो झारखंड का उस समय अविभाजित बिहार था, तो इस इलाके में जो समस्याएं रही हैं उनका समाधान कैसे हो।
तो ये जरूर कहा जा सकता है कि गुरुजी पढ़ाई लिखाई की भी बात की है, गुरुजी ने हरिया दारू छोड़ने की भी बात कही, और उन्होंने ये भी कहा आदिवासी समाज के बारे में कि जो हरिया है वो सांकेतिक तौर पे जो पूजन पद्धति में इस्तेमाल हो तो बड़ी बात होती है, जहाँ समाज को सुधारने की बात होती है, राजनीति में आते हैं तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व है, और यही वजह है कि आज बिल्कुल मास लीडर हैं और हर जगह इन्हें याद किया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे दिशोम गुरु और आज उनका 78वां जन्मदिन। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ खास कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।